और बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी पूछताछ मामले में केजरीवाल पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। पूछताछ के लिए पेश नहीं होने पर केजरीवाल पर हमला बोला है बीजेपी ने। अनुराग ठाकुर ने कहा है मामले में पूरी दाल ही काली है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है और कहा है कि आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, क्योंकि ईडी पूछताछ मामले में केजरीवाल पेश नहीं हुए, राजनीति से प्रेरित पूरा मामला बताया, अब बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तीसरा समन था जो अरविंद केजरीवाल को मिलता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तीसरे समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इधर अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं अगर कुछ गलती नहीं है तो पेश होने में दिक्कत क्या है, या तो दाल काली है, पूरी पूरी दाल काली ही है। ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल घबराए हैं इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। तो गौरव भाटिया को आपने सुना, आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, कहा कि अरविंद केजरीवाल सबसे बेईमान है, और ऐसे में जब उनके ज्यादातर नेता जेल में है, अभी तक मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल पाई है, ये गौरव भाटिया ने कहा, संजय सिंह को बेल नहीं मिल पाई है, अरविंद केजरीवाल जानते हैं लेकिन वो कहानी बना रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल को समन मिलता है, तीसरा समन मिलता है, लेकिन वो पेश नहीं होते हैं, और ऐसे में ये अब बीजेपी कह रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर किस बात का है। तीसरा समन, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं, एक ऐसा ही मामला झारखंड में भी है मुख्यमंत्री पर, लेकिन आज उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एक बार अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है जरा वो सुन लीजिए। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का कहना है कि दे विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपी होने का आरोप लगाया और कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है और उन्हें पता है कि वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, इसीलिए वो सवालों से भाग रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल घबराए हैं इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। जांच एजेंसियां आज बाज बन के ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को काट रही हैं, उनसे जनता की जो गाड़ी कमाई है उसका हिसाब मांग रही हैं, लेकिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है, आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं। शराब घोटाला मामले में लगातार तीसरी बार ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए केजरीवाल पर हमला बोला है। बीजेपी ने अपने एक्स के पोस्ट पर लिखा क्या है वो जरा आपको पढ़वा देते हैं। दरअसल लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को डर किस बात का है, क्या उन्होंने शराब घोटाला केस में जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का साथ छोड़ दिया है। केजरीवाल को ईडी के समन्स को नजरअंदाज करने की बजाय अपने इंडी गठबंधन के नेताओं के भ्रष्टाचार से सीखना चाहिए, जो अपने अनुभवों से उनको और समृद्ध कर सकते हैं, ये बीजेपी ने केजरीवाल पर ट्वीट किया है।